हाय फ्रेंड, कैसे आप लोग। मैं हूँ आपका दोस्त मेराज और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे जो डायोड्स होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं और जो है वो कहाँ कहाँ यूज होते हैं, डायोड्स को किस तरीके से चेक करते हैं, सीरीज से किस तरीके से चेक करते हैं और मल्टीमीटर से किस तरीके से चेक करते हैं, इस वीडियो में कम्प्लीट बात करने वाले हैं। यहाँ पर सबसे पहले हमारे पास एक मल्टीमीटर है जिससे हम सारे डायोड्स चेक करेंगे, ठीक है। उसके बाद हमारे पास ये कई सारे डायोड्स है दुनिया भर के, यहाँ पर ये सारे डायोड्स है, इनको हम चेक करके दिखाएंगे एक एक करके कौन सा डायोड्स किस तरीके से चेक होगा और कौन सा खराब होगा तो किस तरीके से क्या दिखाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इस वाले डायोड्स की, जो नॉर्मली लगता है ये 5408 डायोड है और ये जो है 4 एम्पियर का डायोड्स होता है। यहाँ पर सबसे पहले मल्टीमीटर की पिन लगाएंगे इस वाले में, ये ब्लैक वाली लगा देंगे और इसके बगल में यहाँ पर लगा देंगे ये रेड वाली। अगर हम इसको इस तरीके से लगाएंगे, लाल की जगह काला, काले की जगह लाल, तो यहाँ पर ये रीडिंग भी उल्टी दिखाएगा, ठीक है। तो हम इसको सीधा ही लगाते हैं, ये लूज ना हो तो इस लीड को हम थोड़ा टाइट कर देते हैं इस तरीके से, ठीक। इसको हम पकड़ेंगे इस साइड से, ये कंटिन्यूटी नहीं दिखा रहा है, ठीक है। दूसरी साइड से इसको पलट के चेक करेंगे, यहाँ पर ये कंटिन्यूटी दिखा रहा है, यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर हमने लीड लगाई लाल वाली, यहाँ पर रेड वाली लीड इस साइड लगी है, तो यहाँ पर ये हमारा कंटिन्यूटी दिखा रहा है, ठीक है। इसको अब हम पलटेंगे, यहाँ पर ये नहीं दिखाएगा, यानी कि ये वाला डायोड्स ठीक है। ये नॉर्मली जनरेटर में लगता है जो 5 KVA 10 KVA है, और ये नॉर्मली छोटे छोटे जनरेटर जो होते हैं उनमें ये यूज होता है। उसके बाद हम बात करेंगे इस वाले डायोड्स की, ठीक है। ये यहाँ पर ये बड़े जनरेटर में लगता है, जो कनोपी होती है, साइलेंट वाले होते हैं, जो आजकल जो चल रहे हैं एक्साइटर वाले बड़े वाले, ये उसमें ये लगता है। 37 एम्पियर का है, इसको 40 एम्पियर का हम बोलते हैं नॉर्मली भाषा में, ठीक है। इसको हम यूज चेक करके देखेंगे किस तरीके से इसको चेक करेंगे। इसमें एक सिंबल होता है, यहाँ पर आप देख सकते हैं गौर से, ये ऊपर की साइड बना हुआ है, ऊपर एक इस लाइन बनी है, ठीक है। ये ऊपर को है प्लस है, यानी ऊपर को ये प्लस है, नीचे का माइनस है। तो यहाँ पर ये जो है, ये जो है इतना हिस्सा, ये जो है अलग हिस्सा है, और नीचे का बॉडी वाला पूरा हिस्सा एक है, तो ठीक है। यहाँ पर हम इसको लगाएंगे लीड को इस तरीके से, और उसके बाद यहाँ पर इसको हम चेक करेंगे, तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं सुई उठ रही है, कंटिन्यूटी दिखा रहा है बिल्कुल ठीक तरीके से, ठीक है। यहाँ पर हम कहीं भी लगा लेंगे, बोल्ट पर लगाएं या कहीं भी लगा सकते हैं, ठीक है। अब इसको हम पलट के देखेंगे, तो यहाँ पर सुई पूरी नहीं उड़ रही है, लेकिन आधी उड़ रही है, मैंने मीटर के सील थोड़े खराब है, इसलिए पूरी नहीं उड़ रही है, डाउन है। यहाँ पर आप देख सकते हैं सुई पूरी इतनी उड़ी उड़ रही है, इतने को हम फुल मान रहे हैं क्योंकि हमारे इसके सेल थोड़े डाउन है, ठीक है। दूसरी साइड को हम पलट के देखेंगे, यहाँ पर भी उड़ रही है और यहाँ पर भी उड़ रही है, यानी कि ये डायवर्स जो है खराब है, ठीक है, डायवर्स हमारा खराब है। अभी हम इसको सीरीज से भी करके दिखाएंगे कि सीरीज से इसको किस तरीके से चेक करते हैं। उसके बाद हमारे पास एक ये डायवर्स है, ये 20 एम्पियर का लगभग हम बोलते हैं, लेकिन इससे एम्पियर कुछ कम होते हैं, ये 16 एम्पियर का, 16 का ही बोल सकते हैं, थोड़ा थोड़ा से 20 का इसका थोड़ा अलग होता है। इसको हम चेक करेंगे इस तरीके से, यहाँ पर ये प्लस वाला हमने ऊपर लगा रखा है, ये भी कंटिन्यूटी दिखा रहा है। इसको हम पलट के देखेंगे, ये डायोड्स ठीक है, ठीक है, क्योंकि इतनी सुई जो हमारी है आंखों की रीडिंग भी दिखाता है यहाँ पर ये, ठीक है, तो ये डायोड्स ठीक है। दोबारा चेक करेंगे इसको, यहाँ पर ये ठीक है, एक साइड से ये बोलना चाहिए और एक साइड से ये नहीं बोलना चाहिए। अगर आप कहेंगे इसका प्लस किधर है, तो इसका प्लस इधर है, क्योंकि ये प्लस की साइड से ये बोल रहा है। मैंने अभी आपको बताया था इसका सिंबल होता है, इसमें लिखा हुआ ये, इसका ऊपर को प्लस बना हुआ, ऊपर को बना आएगा डेल्टा जैसा, तो ये प्लस ऊपर को, अगर नीचे को होता जैसे कि इसमें है, यहाँ पर आप देख सकते हैं इस वाले में, जैसे इसका नीचे को बना है डेल्टा, तो ये नीचे को प्लस है, ये इस साइड को प्लस है और इस साइड को माइनस है, लेकिन ये वाला डायोड उसका उल्टा है, यानी इसका यहाँ पर माइनस है, इसका यहाँ पर प्लस है, ठीक है, इसका यहाँ पर प्लस है, इसका यहाँ पर माइनस है नीचे की साइड, ठीक है। और ये देखो यहाँ पर दिखाते हैं नीचे को प्लस है इसका, यहाँ पर ये नहीं बोला अगर ठीक है तो, ठीक है, कहीं भी नहीं बोल रहा है, इसकी कंटिन्यूटी कहीं भी नहीं दिखा रहा, ठीक है, तो यहाँ पर ये दिखा रहा है, यहाँ नीचे को प्लस है, नीचे लाल वाली लीड लगी है, तो नीचे को दिखा रहा है ये ठीक है, ये वाला खराब है, ठीक है, खराब हमने इधर रख दिया है। उसके बाद एक डायोड आता है लीड वाला, ये भी सेम कंडीशन में होता है, लेकिन इसमें लीड है, इसमें लीड नहीं है, ठीक है, तो ये भी इसी तरीके से डायोड का, ये भी इसको भी इसी तरीके से चेक करेंगे, इसकी लीड लाल है यहाँ पर, तो ये इसका ऊपर को प्लस है, ठीक है, अगर यहाँ पर इसमें काला होता तो इसका जो है ऊपर को माइनस होता। मैं अभी इसका सिंबल भी दिखाऊंगा, अगर दिख रहा होगा तो, इसका उल्टा चेक करते हैं, ये नहीं दिखा रहा, ठीक है,
ये हल्का हल्का दिख रहा है यहाँ पर, आप देख सकते हैं ऊपर की साइड को है। अगर आपको इसमें लीड की जरूरत पड़ती है, लीड वाला डायोड नहीं है तो हमने यहाँ पर इसका एक जुगाड़ कर रखा है, इसमें अलग से लीड हमने लगा ली है। अगर लीड की जरूरत है और लीड वाला डायोड हमें अवेलेबल नहीं हो पाता, नहीं मिल पाता, तो हमने इस तरीके की ये लीड लगा ली है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास एक इस तरीके का डायोड है, ये भी एक डायोड है, लेकिन ये जनरेटर में यूज नहीं होता क्योंकि बहुत ज्यादा छोटा डायोड है। इसको हम किस तरीके से चेक करेंगे, मैं यहाँ पर आपको दिखा दूँ। इसमें दो आमने सामने प्लस माइनस है और ये दो न्यूट्रल फेस है, यानी यहाँ पर एसी सप्लाई आएगी और यहाँ पर ये डीसी सप्लाई लगेगी, ठीक है। ये प्लस का सिंबल है ये वाला, इसको हम इस तरीके से लगा लेंगे और ये दूसरा सामने वाला इसका हमारा माइनस है। उसके बाद हम इसको पलट के लगाएंगे, ये माइनस से प्लस लगा दिया, प्लस से माइनस, यहाँ पर भी सुई उठ रही है। तो ये प्लस माइनस दोनों साइड से बोल रहा है, लेकिन इसको डायोड को चेक करने का, इस वाले डायोड को चेक करने का तरीका यहाँ पर ये है कि यहाँ पर ये जो है न्यूट्रल फेस, यहाँ पर जो सामने आमने सामने दिख रहा है प्लस माइनस को छोड़कर, ये आमने सामने वाला, इसमें चेक करेंगे, ठीक है। इस तरीके से माइनस प्लस में नहीं लगाएंगे, प्लस इस पर लगाएंगे न्यूट्रल फेस पे। अगर ये खराब है डायोड तो यहाँ पर ये सुई कंटिन्यूटी उठ जाएगी, ठीक है। और ये सही है तो यहाँ पर ये इस वाले में नहीं उठेगी, दोनों साइड से भी लगा लेंगे तब भी, ठीक है। जैसे कि मैं आपको यहाँ पर एक और डायोड्स में दिखा दूँ, यहाँ पर हमारे पास एक और डायोड है, ये बड़ा है, ये जनरेटर में लगता है। यहाँ पर आप इसकी रेटिंग भी देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर ये इसका प्लस है सिर्फ, उसके बाद यहाँ पर ये, यहाँ पर एसी दिखा रहा है यहाँ पर, जैसे कि मैंने आपको इसमें भी बताया था। जैसे कि यहाँ पर प्लस है इस जगह, तो यहाँ पर ये एसी सप्लाई के लिए है, ठीक। अब इसको हम यहाँ पर प्लस पे लगाएंगे तो सामने वाला इसका माइनस है, ठीक है। यहाँ पर ये उठ रहा है, ठीक है, ये प्लस है। इसको हम पलट के देखेंगे, यहाँ पर ये प्लस को माइनस लगा दिया, माइनस से हमने प्लस लगा दिया, तो ये नहीं उठ रहा, यानी कि ये ठीक है, लेकिन ये प्रॉपर ठीक नहीं मही मानेंगे इसको। क्यों, कहाँ से चेक करेंगे, मैंने अभी बताया इस वाले डायोड में, और ये ब्रिज बना हुआ तो इसको हम किस तरीके से चेक करेंगे। यहाँ पर, यहाँ पर ये लिखा एसी, यहाँ पर ये येलो कलर के तार इसको इंडिकेशन करते हैं, यानी यहाँ पर ये पीले कलर के तार यहाँ पर लगते हैं अगर कायदे में लगाएंगे तब, ठीक है। तो यहाँ पर इसमें लगाएंगे हम, यहाँ पर चेक करेंगे, अगर यहाँ पर ये सुई नहीं उठ रही है, कंटिन्यूटी नहीं दिखा रहा, तो यहाँ पर ये डायोड हमारा ठीक है, चाहे उल्टे में लगा लें या सीधे में लगाएं, इतनी रीडिंग तो हमारी ये हाथ की दिखाता है, ठीक है। तो ये इस डायोड को चेक करने का तरीका है, ठीक है। ये इसको ब्रिज डायोड्स बोलते हैं, चार खूंटी वाले, ठीक है। उसके बाद एक डायोड हमारे पास और है, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये पांच खूंटी है इसके अंदर, एक दो तीन चार पाँच, ये पांच खूंटी डायोड्स है, ठीक है। इसकी रेटिंग देख सकते हैं, ये हमारा जो है यूज होता है सिंगल फेज में, ठीक है। यहाँ पर दो लग जाएंगे, एक न्यूट्रल फेज और यहाँ पर ये लग जाएंगे फील्डों के तार प्लस माइनस। इसको हम बैटरी चार्जिंग के लिए की और यूज में भी लगा सकते हैं। उसके बाद हमारे पास ये एक डायोड है पांच फुटी वाला। अब यहाँ पर ये किस काम में आता, जैसे कि मैंने आपको इसमें बताया था कि यहाँ पर जो है ये एसी जो होता है येलो कलर का पीले कलर का इंडिकेशन देता है, कब देता है, जब यहाँ पर प्लस माइनस होता है, डीसी सप्लाई होती है तब। अगर यहाँ पर एसी सप्लाई होगी सारी तो ये येलो कलर का इंडिकेशन जो होगा आर वाई वी वाला देगा, यानी रेड ब्लू और येलो तब देगा। लेकिन अगर यहाँ पर एसी डीसी होगी तो यहाँ पर ये एसी का सिंबल दिखाता है, यानी इसमें एसी सप्लाई है, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं तीन येलो कलर के इंडिकेशन दिखा रहे हैं और दो जो है हमारा एक रेड है और एक ये ब्लू है। तो यहाँ पर क्या मानेंगे कौन सी सप्लाई है इसमें, कि इसमें एसी है या आर वाई बी है या डीसी एसी दोनों है। तो यहाँ पर आप किस तरीके से, अगर यहाँ पर तीन खोटी चार खोटी होती इसमें लिखा होता आर वाई बी और जो होता ब्लैक यानी एन, तब यहाँ पर इसको हम जो है एसी सप्लाई मानते फुल एसी सप्लाई। लेकिन यहाँ पर इस तरीके का इंडिकेशन नहीं है क्योंकि यहाँ पर तीन येलो कलर के इंडिकेशन है, तो इसको यहाँ पर ये फेस मानेंगे, ये भी फेस मानेंगे और ये भी फेस है, और यहाँ पर ये प्लस है पॉजिटिव है डीसी सप्लाई का और यहाँ पर ये नेगेटिव है डीसी सप्लाई का, ठीक है। तो यहाँ पर ये एसी डीसी सप्लाई का प्लस माइनस हो गया, लाल और काला, ठीक है। यहाँ पर ये तीनों फेस होगा जनरेटर में, थ्री फेज वाले जनरेटर में ये यूज होगा। यहाँ पर ये तीन फेस लग जाएंगे जनरेटर के येलो कलर पे, ठीक है, एक दो तीन, ठीक है, एक दो तीन, यहाँ पर ये दो बचे तो यहाँ पर प्लस माइनस लग जाएंगे डीसी सप्लाई के, जो फील्ड होती है जनरेटर के अंदर वो यहाँ पर लग जाएंगे लाल काला। तो अब इसको हम चेक कैसे करेंगे, यहाँ पर ये ब्लू कलर का इंडिकेशन है इस खूंटी पर, तो यहाँ पर हमने काला लगा दिया, ये ब्लू नहीं है हकीकत में, ये नेगेटिव है डीसी सप्लाई का, ठीक है। तो यहाँ पर ये हमने रेड वाले पे रेड लगा दिया पॉजिटिव, तो यहाँ पर हमारी ये सुई कंटिन्यूटी दिखा रहा है, ठीक है। इसको हम पलट के देखेंगे,
यहाँ पर ये नहीं दिखा रहा, ये ठीक है डायोड्स, लेकिन इसको हम प्रॉपर ठीक नहीं मानेंगे। प्रॉपर ठीक कैसे मानेंगे, यहाँ पर हम पीले से पीला चेक करेंगे, येलो से येलो, फेस से फेस हम चेक करेंगे, ठीक है। इस पर लगा दिया हमने और यहाँ पर ये लगा दिया, कंटिन्यूटी नहीं दिखा रहा। अब इस वाले पे चेक करेंगे, तो ये भी है येलो कलर का, ठीक है ठीक है, ये अभी तक तो ठीक है, कंटिन्यूटी नहीं दिखा रहा, ठीक है। अब इसके बाद हम यहाँ पर लगाएंगे इस वाले पे, ठीक है। फिर दोबारा इस वाले पीले पे लगाएंगे येलो कलर पे, इस वाले येलो कलर पे लगाएंगे, नहीं बोला, ठीक है। अब हम इस वाले येलो कलर पे लगाएंगे, ठीक है। यहाँ पर इसको चेक करेंगे, यहाँ पर इसको चेक करेंगे, यहाँ पर भी कंटिन्यूटी नहीं दिखा रहा, यानी हमारा डायोड्स बिल्कुल ठीक है। बात करते हैं हम इसको जो है सीरीज से किस तरीके से चेक करेंगे। यहाँ पर ये हमारा सीरीज बोर्ड है, इसको हम यहाँ पर लगा लेंगे, ठीक है। यहाँ पर ये हमारी सीरीज की सप्लाई आ चुकी है, उसके बाद हमारा पहले इस वाले डायोड्स को हम चेक करेंगे, ठीक है। इसमें हम तार लगाएंगे, यहाँ पर देखिए अभी इसको जो है यहाँ पर ये फ्लैक्सेशन कर रहा है। मैंने यहाँ पर इसको हटा दूँ ठीक से देखने के लिए। यहाँ पर आप देखिए यहाँ पर ये बल्ब कितनी तेज जल रहा है, लेकिन अगर हम इस पर डायोड्स पे लगाएंगे यहाँ पर ये फ्लैक्सेशन कर रहा है, ठीक है। यहाँ पर इसको देखिए, ठीक है, और इसको देखिए आप, दोनों साइड से हम इसको लगाएंगे, बल्ब हल्का हल्का हिल रहा है, ठीक है, दोनों साइड से हिल रहा है, ठीक है। उसके बाद हम जो है हमारा एक खराब डायोड्स था, उसको भी हम चेक करके दिखाते हैं। यहाँ पर ये ठीक है एक साइड से, दूसरी साइड से भी ये ठीक है। इस वाले को चेक करते हैं, कोई सा भी डायोड्स हो चेक करने का यही तरीका। यहाँ पर आप देखिए ये कितनी तेज जल रहा है दोनों साइड से, ठीक है। और एक इस वाले को चेक करेंगे, ब्लिंक हल्का हल्का हिल रहा है, ठीक है। और ये खराब वाला ये बिल्कुल फुल जल रहा है, ठीक है, इसकी ये पहचान है। अगर बल्ब फुल जल रहा है तो ये जो है खराब है, ठीक है। अब इसको हम चेक करेंगे, यहाँ पर ये प्लस लिखा है, यहाँ पर माइनस है, ठीक है। प्लस माइनस पे लगाएंगे तो हिल रहा है, यहाँ पर भी लगाएंगे तब भी हिल रहा है, ये इसको इससे लगाएंगे तब भी हिलेगा, ये इस वाले से लगाएंगे तब भी ये हिलेगा, लेकिन अगर हम इसको लगाएंगे तो यहाँ पर ये नहीं जलेगा। और यहाँ पर ये जल रहा है, एसी सप्लाई में जहाँ लगाएंगे हम, तो ये जो है डायोड खराब है, तो ये ठीक है बिल्कुल। मैं यहाँ पर इसको दिखा दूँ आपको, जैसे कि मैं समझ नहीं पा रहा हूँ अगर आप, तो यहाँ पर ये प्लस है ये माइनस है, ठीक है। प्लस माइनस लगा दिया मैंने, ये फुल जल रहा है, ठीक है। अगर यहाँ पर फुल नहीं भी जलेगा, ब्लिंक करेगा, तो यहाँ पर हमें चेक करना जरूरी है इस पे, जहाँ पर हम न्यूट्रल फेज लगाएंगे, एसी सप्लाई लगाएंगे, तो वहाँ पर ये बल्ब जो है फुल नहीं जल, बिल्कुल भी नहीं जलना चाहिए, इसको तो हिलना भी नहीं चाहिए, ठीक है। हम थ्री फेज वाला चेक करेंगे, तो हम थ्री फेज वाला चेक करेंगे, ये 5 फुटी वाला, यहाँ पर हमने पीले वाली पे लगाया, इस पर भी नहीं बोल रहा, इस पर लगाया, इस पर भी नहीं बोल रहा, इस पर लगाया, इस पर नहीं बोल रहा। यहाँ पर लाल काले पे लगाएंगे तो यहाँ पर ये ब्लिंक कर रहा है और यहाँ पर कर रहा है। अगर लाल के साथ जो है किसी को भी लगाएंगे पीले वाले को, तो ये जो है सब पे ब्लिंकिंग करेगा, काले के साथ लगाएंगे तब भी ब्लिंकिंग करेगा, लेकिन अगर पीले के साथ पीला लगाएंगे तो यहाँ पर ये ब्लिंकिंग नहीं करेगा। अगर करेगा, ये बल्ब जल रहा है कुछ भी होगा, तो ये डायोड्स खराब है, ठीक है। सारे डायोड्स इसी तरीके से चेक होते हैं, अगर ये सीरीज फुल जल रही है तो डायोड्स लगा कर भी फुल जल रही है तो खराब है, यहाँ पर ये कम ज़्यादा हो रही है। दोनों साइड से चेक करेंगे, सेम कंडीशन है, डायोड्स ठीक है, दोनों साइड से ब्लिंकिंग कर रहा है, ठीक है। तो फ्रेंड्स आप समझ चुके होंगे डायोड्स चेक करने का तरीका क्या है, आप मल्टीमीटर से किस तरीके से चेक करेंगे और सीरीज से किस तरीके से चेक करेंगे, कौन सा डायोड्स कहाँ पर यूज होता है। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।